नमस्कार क्राइम रिपोर्टर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरो जाहिर नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सिद्धार्थनगर जिले में कहीं यूरिया का स्टॉक तो नहीं किया जा रहा, कहीं ब्लैकमेलिंग तो नहीं की जा रही, या फिर दुकानदार किसानों को ओवर रेट में यूरिया तो नहीं बेच रहे। इसको लेकर जिला कृषि अधिकारी सीपी चौधरी ने फुटकर दुकानों पर छापेमारी की। जिला कृषि अधिकारी ने सबसे पहले मुहाना में खाद की दुकानें देखी, इसके बाद देहात क्षेत्र में निकल गए। इसी बीच हलचल मची रही। जिले में इन दिनों यूरिया को लेकर हाहाकार मची है। सबसे ज्यादा किल्लत इफको की यूरिया के लिए है। इधर बीते दिनों यूरिया के रेट भी कम हो गए हैं। जिला कृषि अधिकारी ने छापेमारी की। उन्होंने सबसे पहले शहर की प्रमुख खाद की दुकानें देखी, जहां स्टॉक रजिस्टर से गोदाम में लगी बोरियों का मिलान किया। इसके अलावा किसानों से भी जानकारी ली यूरिया किस रेट में उपलब्ध कराई जा रही है। शहर में छापेमारी करने के बाद जिला कृषि अधिकारी देहात क्षेत्र में निकल गए, जहां प्राइवेट दुकानों पर हालांकि छापेमारी के दौरान कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली। वही कृषि अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र के सभी दुकानदारों की हिदायत दी गई है कि वो बगैर किसान वही कर खाद नहीं देंगे। अगर वही कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मैं आज निकला था मुख्यालय से दुकानों पर छापेमारी करने के लिए। रास्ते में हमें एक ट्राली मिली, जिसके अंदर कोई यूरिया ला करके किसान ले जा रहा था। मैं रोक करके उसको जांच किया, उसके पास वैध पर्ची मिली, लेकिन उसके सत्यापन के लिए पुनः उसको मैं रामवृक्ष नाम का दुकानदार है मोहाने में उसके यहाँ लेकर आया, तो उसके मशीन से उसकी पुष्टि हुई कि हाँ 10 बोरा उसने सेल किया था। और फिर उसका मैं पूरा स्टॉक मिलाया, स्टॉक और मशीन का स्टॉक दोनों मिलान सही पाया गया। उसको हिदायत दी गई दुकानदार को कि आप किसान भाई के आधार पर भी भविष्य में उर्वरक सेल करेंगे, इसका लिखित आदेश जारी कर दिया गया। इसके अलावा अगर कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध। सिद्धार्थनगर से संतोष गुप्ता की एक रिपोर्ट।